आज हम लोग फिर से एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है सेल, सेल यानी कोशिका। आप लोगों ने बोला था कि सर क्या पढ़ाते हैं, इंग्लिश में पढ़ाते हैं सारा सब कुछ, तो बेटा हमने हिंदी में भी कन्वर्ट किया इस बार, तो हिंदी के साथ साथ इंग्लिश भी चलेगा, दोनों कंबाइंड बाई लैंग्वेज होगा होगा। इससे बेटा आपको बेटा सबसे ज़्यादा यूजफुल रहेगा बेटा रेलवे, NTPC और बहुत सारे ऐसे कम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं जिसके लिए बेटा यूजफुल है। आप जानते हो बेटा व्हाट इज सेल? सेल सबसे सबसे मुख्य चीज़ बेटा सेल क्या है? सेल क्या है? सबसे जो बॉडी की सबसे जो बेसिक यूनिट है उसको क्या बोला गया है? सेल बोला गया है। जैसे हम लोगों की बॉडी है, हम लोगों की बॉडी बेटा किस चीज से मिलकर बनी है? सेल से मिलकर बनी है। सेल को बोला गया है सेल इज द बेसिक यूनिट एंड फंडामेंटल और स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ लाइफ। सेल क्या है? एक सबसे ऐसी छोटी यूनिट है जो क्या फंडामेंटल अपना बेटा स्ट्रक्चर भी बनाती है, पूरी बॉडी का निर्माण भी करती है, और क्या बेटा फंडामेंटल और फंक्शन भी करती है। क्या बेटा? फंक्शन भी करती है, फंक्शन भी करती है। क्या बेटा? हमारी हमारी जो सेल है वो फंडामेंटल और स्ट्रक्चर एक ही बात है, बेसिक यूनिट, फंक्शन भी काम करती है। मतलब हम जब एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो हमारी बेटा सेल क्या है? काम करने का काम करती है। जैसे तुम लोग समझ लो, जैसे ईंट है बेटा, ईंट क्या है बेटा? ईंट ईंट से मिलकर क्या बनी होती है? दीवार। ईंट क्या है? सबसे छोटी यूनिट है मकान की, सबसे बेसिक यूनिट क्या होती है? ईंट। फिर कई सारी ईंट मिलकर क्या बनाती है? दीवार। और दीवार मिलकर क्या बनाता है? एक कमरा बनाता है। कमरा मिलकर क्या बनता है? पूरा बेटा हाउस बनता है, घर बनता है। ऐसे ही हमारी सेल है, सेल बेटा जिसको कोशिका बोलते हैं। सेल सेल से मिलकर क्या बनते हैं? टिश्यू। टिश्यू का नाम होता है ऊतक, और फिर उसके बाद बॉडी पार्ट्स, फिर हमारी बॉडी। इसी तरीके से बेटा चलता है। जैसे तुम लोग समझ लो, सेल सेल से मिलकर क्या बनता है? टिश्यू। कई सारे, जैसे एक छोटी यूनिट क्या है? सेल। फिर बेटा सेल से मिलकर बहुत सारे टिश्यू बनते हैं, एक ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू। जब बहुत सारी सेल्स आपस में मिल जाती हैं, बहुत सारी सेल आपस में मिल जाती हैं, उसको क्या बोलते हैं? टिश्यू। और एक सेल क्या होगी? सिंगल सेल। फिर टिश्यू मिलकर क्या बनाते हैं बेटा? बॉडी पार्ट्स। बॉडी पार्ट्स जैसे हमारे हाथ पैर वगैरह, ये क्या? बॉडी पार्ट्स। फिर उसके बाद एक पूरी बॉडी। जब एक बॉडी हमारी बन गई, एक बॉडी में मेरी, एक बॉडी सबकी, एक बॉडी इधर की, तो उसको क्या बोलते हैं? कई सारी बॉडी मिलकर क्या बनाते हैं? एक ग्रुप। क्या बेटा? ग्रुप। और कई सारे ग्रुप मिलकर, जैसे एक क्लास 10th का ग्रुप, 11th का ग्रुप, 12th का ग्रुप, कई सारे ग्रुप मिलकर क्या बनाते हैं बेटा? कम्युनिटी। क्या बेटा? कम्युनिटी। और कई सारी कम्युनिटी, जैसे प्लांट की कम्युनिटी अलग, एनिमल की कम्युनिटी अलग, सबकी, जैसे फ्रॉग की कम्युनिटी अलग, उसको क्या बोलते हैं? इकोसिस्टम। क्या बेटा? इकोसिस्टम। और इकोसिस्टम मिलकर क्या बनाता है बेटा? पूरा होल बायोस्फीयर। क्या बेटा? होल बायोस्फीयर में से होता है ब्रह्मांड। अब देखो स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से? सेल। सेल क्या है? सबसे छोटी यूनिट। उसके बाद टिश्यू, फिर बॉडी पार्ट, फिर बॉडी, एक एक बॉडी, फिर उसके बाद ग्रुप, कम्युनिटी, इकोसिस्टम और बायोस्फीयर। देखो सेल तभी बोला, सेल इज द बेसिक यूनिट, मतलब सबसे छोटी इकाई होती है, यही पूरी हमारी बॉडी में काम करती है बेटा। सेल आप लोग समझ लो बेटा, सेल का नाम होता है साइटो। सेल सेल को बेटा सेल को साइटो भी बोलते हैं। और जो सेल की जो स्टडी होती है, एक ब्रांच होती है बेटा सेल की स्टडी, को क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। ए स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड द साइटोलॉजी। और खोज, मतलब सबसे पहले सेल की डिस्कवरी किसने की थी बेटा? रॉबर्ट हुक एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या की थी बेटा? सेल की डिस्कवरी की। उन्हें उन्हें बेटा सेल सेल का जनक भी कहा जाता है बेटा, ठीक है। और जीवित को सबसे पहले एक साइंटिस्ट, सबसे दूसरे साइंटिस्ट था एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक, जिनका नाम क्या है? एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक। ये साइंटिस्ट हैं जिन्होंने बेटा एक एक सिंगल सेल थी जो बेटा लिविंग थी, उसकी डिस्कवरी की थी बेटा। सबसे पहले माइक्रोस्कोप में देखा उन्होंने कि बेटा सबसे पहले जो जो लिविंग सेल पर सबसे पहले डिस्कवरी किसने की? एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक। फिर उसके बाद एक सिद्धांत आया सेल थ्योरी, जिसका नाम क्या बेटा? सेल थ्योरी। सेल की थ्योरी किसने दी थी? सेल थ्योरी बेटा स्लाइडन एंड स्वान। कौन साइंटिस्ट थे? दो साइंटिस्ट थे, ये बेटा जर्मन से थे, ये बेटा बॉटनिस्ट थे। जिन कौन है? स्लाइडन एंड स्वान बेटा, दो साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या दी? सेल थ्योरी। सेल थ्योरी क्या थी? कि जो हमारी सेल है, पुरानी वाली सेल बेटा मर के नई वाली सेल बनाते हैं, उसको क्या बोलेगा बेटा? सेल थ्योरी। इसी को सेल सिद्ध सेल थ्योरी, जिसको सिद्धांत बोला गया, स्लाइडन एंड स्वान ने दी। अब आती है कि सबसे छोटी सेल क्या होती है दुनिया में? सबसे छोटी सेल किसकी होती है? माइकोप्लाज्मा की। माइकोप्लाज्मा एक बैक्टीरिया है जिसमें सबसे छोटी सेल पाई जाती है बेटा, ओके। और सबसे बड़ी सेल क्या दुनिया में? सबसे वर्ल्ड में सबसे बड़ी सेल, बहुत बार क्वेश्चन आता है कि दुनिया में वर्ल्ड में सबसे बड़ी सेल कौन है बेटा? ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच जानते, शुतुरमुर्ग का अंडा बेटा, शुतुरमुर्ग का अंडा बेटा सबसे बड़ी सेल है, लार्जेस्ट सेल इन वर्ल्ड, दिस इज कॉल्ड ऑस्ट्रिच एग, ओके। फिर सबसे ह्यूमंस बीइंग में या मनुष्य में, मानव में पूछी जाए कि सबसे छोटी सेल क्या होती है बेटा? स्पर्म। कौन सी बेटा? स्पर्म। आप लोग जानते होंगे बेटा मेल का स्पर्म होता है बेटा, सबसे छोटी सेल होती है। क्या बेटा? सबसे छोटी सेल। और मानव में या ह्यूमंस बीइंग में सबसे बड़ी सेल पूछा जाए तो क्या होती है? फीमेल का एग। क्या होता है? फीमेल का एग बेटा। मानव में सबसे लंबी सेल क्या होती है? ह्यूमंस बीइंग में सबसे लंबी सेल, जिनका नाम क्या है? न्यूरॉन। न्यूरॉन ये बेटा
हमारे ब्रेन में पाई जाती है। कहाँ से बेटा? ब्रेन में, ब्रेन से लेके बेटा फुट तक होती है। सबसे क्या होती है? लंबी होती है बेटा। किसमें? लंबी बेटा। लंबी का मतलब आप लोग, लंबी का मतलब तो बेटा, लंबी का मतलब सबसे बड़ा मतलब, ठीक है। न्यूरॉन होती है बेटा ब्रेन से लेके, जो जो ब्रेन है हमारा, यहाँ से लेके फुट तक होती है सबसे बड़ी सेल न्यूरॉन। और न्यूरॉन की एक खास बात, खास बात ये भी है कि न्यूरॉन जो जो सेल है बेटा वो डिवाइड नहीं करती है। मैंने तो बताया था कि सभी सेल क्या बनाती है, एक सेल से दूसरी सेल बनती है। किसने दिया था बेटा? स्लाइडर एंड स्वाइनथ्रोन ने, कि जो पुरानी वाली सेल मरती है और वो नई वाली सेल को जन्म देती है। ऐसे ही जो जो न्यूरॉन्स है, जो जो ब्रेन में जो बेटा नर्व सेल पाई जाती है उसका क्या नाम है? न्यूरॉन। वो कभी डिवाइड नहीं होती, विभाजन रहित, नॉट डिवीजन। इसमें क्या होता है बेटा? नॉट डिवीजन। ये कभी भी डिवाइड नहीं करती है, ये वाली सेल डिवाइड नहीं होती है। और सबसे ज्यादा यदि बॉडी की बात करें ह्यूमंस बींग में, कि ऐसी सेल बताओ जो सबसे जल्दी फास्टेस्ट डिवीजन, सबसे जल्दी डिवीजन कौन करता है? ऐसा ऑर्गन है लीवर। लीवर की जो सेल्स होती है वो जल्दी से डिवाइड होती हैं। कहा बेटा? जल्दी से डिवाइड होती है लीवर की सेल। तभी हम लोग बताते हैं कि किसी का लीवर खराब हो जाए तो उसको लीवर डोनेट कर देते हैं। थोड़ा सा लीवर क्या कर दिया? डोनेट कर दिया। उस डोनेट से थोड़ा सा तुमने किया, फिर कुछ दिन बाद बेटा फिर दोबारा से लीवर आने लगता है। फिर दोबारा से क्यों? क्योंकि बेटा सेल हमारी क्या करनी है? जनरेट करती है। और नर्व सेल कहाँ होती है? ब्रेन में होती है बेटा, ब्रेन में होती है। अब तभी लोग बताते हैं बेटा ब्रेन में, कि कहीं भी यदि आपके चोट लग जाए, सिर्फ आपका बेटा सिर में चोट नहीं आई बेटा, तो आप बेटा सुरक्षित है। तभी बोलते हैं कि आप लोग हेलमेट लगाया करें, क्योंकि जो दिमाग की नसें होती है वो कभी भी डिवाइड नहीं करती, वो कभी रिप्लीकेशन नहीं कर सकती हैं। इसीलिए ये बहुत बार क्वेश्चन बेटा आते हैं। अब देखो बेटा, सेल किस तरीके से वर्क करती है हमारी बॉडी में, उस और बेटा उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, बहुत बार आता है बेटा कि सेल का स्ट्रक्चर सीक्वेंस में किस तरीके से। सबसे पहले बात करें कि सेल मेम्ब्रेन, जैसे हमारी ये क्या है? सेल है। ये क्या है? सेल। अब जो आउटर मोस्ट जो बेटा वॉल हो गई, इसका क्या नाम हो गया? सेल वॉल। जैसे घर की दीवार को बोलते हैं बेटा, उसी तरीके से फिर उसके अंदर क्या होती है बेटा? ये देखो मेम्ब्रेन, ये इसका नाम होता है बेटा सेल मेम्ब्रेन। क्या नाम हो गया बेटा? सेल मेम्ब्रेन। आउटर वाली वॉल को क्या बोलते हैं? सेल वॉल। जैसे घर की दीवार होती है उसी तरह से सेल की दीवार को सेल वॉल, और सेल की मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन। जिसका नाम क्या है? कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली क्या है? सेल मेम्ब्रेन है। अंदर वाली जो वॉल है उसका नाम क्या है? सेल मेम्ब्रेन। अब ये बेटा किस में होती है? प्लांट में भी होती है, एनिमल में भी होती है, दोनों में होती है। ये बनी किसकी होती है? ये प्रोटीन की बनी होती है। किसकी बेटा? प्रोटीन की बनी होती है। और सेल के सभी ऑर्गन इसी मेम्ब्रेन में रहते हैं, मतलब जितने भी, जैसे बीच में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। बीच में क्या होता है? न्यूक्लियस। अब जो भी बेटा ऑर्गन सेल के, जितने भी सेल को जो ऑर्गन जो वर्क कराते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्जी बॉडी हो गया, वॉक्यूल्स हो गया, और भी बहुत सारे हैं, जैसे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, और प्लास्टिड हो गया, लाइसोसोम हो गया, ये सारे जो सेल को वर्क कराते हैं, वो भी कहाँ? झिल्ली के बीच में ही तो है। देखो आगे क्या है? सेल वॉल है, सेल वॉल। फिर क्या है? सेल मेम्ब्रेन। फिर ये बीच में है, ये सेल के ऑर्गन है। कहाँ डले होते हैं? यहाँ बेटा डले होते हैं बीच, जहाँ स्पेस तुम्हें दिख रहा है खाली खाली स्पेस, यहाँ डले होते हैं बेटा। ये बेटा इसको दूसरा नाम इसका होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इस वाली जो सेल मेम्ब्रेन का दूसरा नाम क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या बेटा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, अब दूसरे नंबर पर कोशिका भित्ति, इसका क्या नाम होता है? सेल वॉल। कोशिका भित्ति का ये किस में ओनली पाई जाती है? प्लांट की सेल में पाई जाती है, ना कि एनिमल की सेल में बेटा, ठीक है। सेलुलोज, ये जो सेल वॉल है जो प्लांट में पाई जाती है, वो किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज किस में होता है बेटा? हरे भरे चारे में होता है। किस में बेटा? हरे भरे चारे में, जो ग्रीन वे, जो बेटा ग्रीन हो, जो तुम्हें ग्रीन में जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, सब में क्या होता है? सेलुलोज होता है। तभी हम लोगों में सेलुलोज को डाइजेस्ट करने की ताकत नहीं होती है। किस में होती है बेटा? एनिमल में होती है, जिनके पास रूमिनेंट्स होता है, ठीक है। और ये बेटा जो सेल वॉल होती है, क्या सुरक्षा प्रदान करती है। सुरक्षा का मतलब सिक्योरिटी। जैसे हमारी घर की दीवार क्या, एक तो घर का मेंटेनेंस बनाती है, एक स्ट्रक्चर बनाती है, आकार प्रदान करती है, उसको क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चर। क्या बनाती है? स्ट्रक्चर। और घर की दीवार क्या करती है? सुरक्षा। यदि किसी के घर में दीवार नहीं हो तो आदमी ऐसे ही चला जाएगा बेटा, तो उसी के सेल वॉल का क्या काम होता है बेटा? उसको बेटा सुरक्षा, सिक्योरिटी देना और स्ट्रक्चर देना, सिक्योरिटी देना और स्ट्रक्चर देना। कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? प्रोटीन की बनी होती है, जिसमें प्लांट और एनिमल में पाई जाती है। और सेल वॉल किस में होती है? ओनली प्लांट में होती है। बहुत बार क्वेश्चन आता है कि सेल वॉल ओनली प्रेजेंट इन ओनली प्लांट बेटा, कभी भी एनिमल में नहीं मारेंगे, ठीक है बेटा। अब देखेंगे, नेक्स्ट देखेंगे और सारी चीजें हैं, जैसे सेल के ऑर्गेनल्स हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है, वॉक्यूल्स है, गोल्जी बॉडी, इनका वर्क किस हिसाब से होता है अब ये देखेंगे नेक्स्ट वाली वीडियो में। अब बेटा हम लोग पढ़ेंगे बेटा सेल के ऑर्गेनल्स। क्या बेटा? सेल के ऑर्गेनल्स का काम क्या होता है? जैसे ये सारे सेल के ऑर्गेनल्स हैं, कि सेल के ऑर्गेनल्स काम किस तरह करते हैं?
जैसे हमारे बॉडी के पार्ट ऑर्गन होते हैं बॉडी को चलाने में मदद करते हैं, उसी तरह बेटा सेल को चलाने में कौन कौन मदद करता है, हमने सबसे पहले बताया था आपको माइटोकॉन्ड्रिया। कौन? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की सबसे पहले बेटा किसने बेटा डिस्कवरी की? अल्टमैन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने बेटा बहुत बार आता है कि अल्टमैन ने किसकी डिस्कवरी की? माइटोकॉन्ड्रिया की। माइटोकॉन्ड्रिया का सेल में काम क्या होता है बेटा? जो भी हम खाना खाते हैं उसको स्टोर करना, एनर्जी के रूप में स्टोर करना, एनर्जी के रूप में क्या करना, स्टोर करता है, तभी एनर्जी को स्टोर करती है बेटा माइटोकॉन्ड्रिया। और सबसे अच्छी बात है इसका दूसरा नाम बोला गया है पावर हाउस ऑफ द सेल। क्या बेटा? पावर हाउस ऑफ द सेल। पूरी सेल का माइंड, पूरी सेल का मास्टर कौन है बेटा? माइटोकॉन्ड्रिया। एम फॉर माइटोकॉन्ड्रिया, एम फॉर मास्टर ऑफ सेल इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल इज कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रिया। बहुत बार क्वेश्चन आता है कि पावर हाउस ऑफ द सेल किसे बोलते हैं, बोलते बेटा माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं। ठीक है, गाल्जी बॉडी। दूसरा क्या है बेटा? गाल्जी बॉडी। गाल्जी बॉडी का काम क्या होता है? जी फॉर गाल्जी बॉडी, जी फॉर ग्लाइकोप्रोटीन सिंथेसाइज करना, ग्लाइकोप्रोटीन सिंथेसाइज करना बेटा। ये काम क्या करता है? जो भी हमने खाना खाया उसको बेटा अपने अपने अंदर बेटा प्रोटीन को, प्रोटीन जो जो बेटा ग्लूकोज होता है उसको निकालता है। खाने से क्या निकालता है? ग्लूकोज निकालता है। तुम जैसे डॉक्टर लोग हमें बेटा क्यों ग्लूकोज की बोतल लगाते हैं? क्यों? जब हमें बुखार आ जाता है तो हम उस टाइम खाना नहीं खा सकते, हमारी बॉडी वर्किंग नहीं करती, इसीलिए हम खाने को जो लास्ट खाने का प्रोडक्ट, लास्ट प्रोडक्ट क्या होता है खाने का बेटा? ग्लूकोज। क्या प्रोडक्ट होता है? ग्लूकोज। तो डायरेक्ट ही हम ग्लूकोज बना देते हैं, डायरेक्ट बोतल लगाई और सीधा बेटा ग्लूकोज चढ़ा देते हैं। ठीक है, तो गोल्जी बॉडी का काम क्या होता है? ग्लाइकोप्रोटीन सिंथेसाइज करना। जी फॉर गोल्जी बॉडी, जी फॉर ग्लाइकोप्रोटीन। सबसे पहले गोल्जी बॉडी सिंथेसाइज, सबसे पहले गोल्जी बॉडी की डिस्कवरी किसने की बेटा? कैमिलो गोल्जी एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने की। कैमिलो गोल्जी साइंटिस्ट थे, उन्होंने की बेटा। ठीक है, अब तीसरा है बेटा कौन कौन ऑर्गेनिज्म? माइटोकॉन्ड्रिया होगा, गोल्जी बॉडी का एक रसधानी जिसका नाम क्या बेटा? वॉक्यूल्स। वॉक्यूल्स ये सेल में किसका काम करता है? जो भी बेटा सेल को, जैसे हम लोगों को पानी की जरूरत पड़ती है बेटा, जैसे हमें बेटा प्यास लगी तो प्यास हमें नहीं लगती, हमारी सेल को पानी की आवश्यकता होती है। तो सेल के अंदर पानी को कौन स्टोर रखता है बेटा? वॉक्यूल्स। कौन बेटा? वॉक्यूल। 65% बॉडी का पानी कौन स्टोर करता है? वॉक्यूल्स करता है। कौन बेटा? वॉक्यूल्स। अब चौथा बेटा कौन सा है? सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम का काम क्या होता है? कोशिका विभाजन। जो भी हमारी सेल्स होती हैं बेटा उनको रिप्लीकेट कराना, डिवीजन कराना किसका काम होता है? सेंट्रोसोम का काम होता है। सेंट्रोसोम जैसे हमारी लीवर की सेल है बेटा, लीवर की सेल मैंने बताया था पुरानी सेल मरती हैं, वो नई सेल जनरेट होती हैं, वो कौन कराता है? कराता है बेटा सेंट्रोसोम कराता है। ये थ्योरी किसने दी थी? पिछला बताया, पिछली वाली स्लाइड में बताया था, स्लाइडन एंड स्वान नाम के दो बेटा साइंटिस्ट थे, उन्होंने सेल थ्योरी दी थी। मतलब सेल थ्योरी कि किस तरीके से सेल का डिवीजन होता है बेटा। तो लीवर में क्या होता है? फास्ट डिवीजन मैंने बताया था। और ब्रेन में क्या होता है बेटा? ब्रेन में डिवीजन नहीं होता है, ब्रेन की या ब्रेन में या सेल डिस्टर्ब हो जाए तो वो फिर दोबारा से बेटा रिप्लीकेट नहीं करती है। ठीक है, अब कौन है बेटा 5 नंबर का बेटा? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम है बेटा उसका बेटा काम क्या है बेटा? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जैसे ER है, इसका शॉर्ट में क्या बोलते थे? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये दो टाइप का होता है, एक बेटा स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ वाला है, स्मूथ मी से वैसे भी चिकना होता है, आप लोग जानते हैं स्मूथ मी से वैसे भी चिकना, रफ मी से खुरदरा। खुरदरा खुरदरा क्यों होता है बेटा आप लोग जानते हैं? क्योंकि इसके पास जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, इसके ऊपर रफ वाले के ऊपर बेटा राइबोसोम अटैच होते हैं। क्या अटैच होते हैं बेटा? राइबोसोम। जब राइबोसोम कहीं भी राइबोसोम अटैच हो तो हमेशा बेटा राइबोसोम का बेटा वर्क क्या होता है? प्रोटीन को सिंथेसाइज करना। क्या बेटा? प्रोटीन को सिंथेसाइज करना। तभी स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फैट को बनाता है और रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है। किसको बेटा? प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है। ठीक है, रफ अब ये क्वेश्चन आता है बेटा कि रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास ऐसी कौन सी चीज होती है जो वो प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है? सबसे अच्छी बात है रफ इंडोप्लाज्मिक के पास क्या होते हैं? राइबोसोम अटैच होते हैं। क्या होते हैं? ऊपर राइबोसोम अटैच, ये देखो राइबोसोम है बेटा। तभी ये क्या हो गया? खुरदरा हो गया। आर फॉर रफ, आर फॉर राइबोसोम। कोई दिक्कत क्या बताइए बेटा? ठीक है, आर फॉर राइबोसोम, आर फॉर रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है बेटा, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया का वर्क क्या है? पावर हाउस ऑफ द सेल। गोल्जी बॉडी ग्लाइकोप्रोटीन, जी फॉर एम फॉर मास्टर ऑफ सेल, एम फॉर माइटोकॉन्ड्रिया, जी फॉर ग्लाइकोप्रोटीन सिंथेसाइज करना, वी फॉर वॉक्यूल। लेकिन वॉक्यूल्स में क्या सबसे ज्यादा? वाटर को एब्जॉर्ब करने की टेंडेंसी होती है, जल संग्रह। ठीक है, सेंट्रोसोम अब मैंने बताया था बेटा, सेंट्रोसोम मतलब सेल डिवीजन में काम करता है। और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सबसे अच्छा काम है प्रोटीन और फैट को सिंथेसाइज करना। फैट बेटा स्मूथ करते हैं और रफ बेटा आर फॉर रफ और आर फॉर बेटा प्रोटीन सिंथेसाइज करना। देखो बेटा, अब मैं बात करूं सबसे पहले
और बेटा राइबोसोम की, राइबोसोम इस जो जो और भी बहुत सारे सेल के ऑर्गेनिल्स होते, पार्ट होते हैं, जैसे राइबोसोम, राइबोसोम जैसे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में रफ वाला होता है वो, जिसके पास राइबोसोम अटैच होते हैं बाहर बेटा, वो क्या करता है प्रोटीन सिंथेसाइज करता है वही, और अकेला जो राइबोसोम होता है बेटा, अकेला जो राइबोसोम होता है वो भी काम क्या करता है, प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है। क्या काम करता है? प्रोटीन को सिंथेसाइज, जिसका दूसरा नाम आमतौर पर बोलते हैं कि प्रोटीन फैक्ट्री किसको बोला गया है, तो आप क्या टिक करोगे? राइबोसोम। राइबोसोम दो टाइप का होता है बेटा, 70S राइबोसोम सेडिमेंटेशन और 80S राइबोसोम। जो सेडिमेंटेशन एस पर होता है, सेडिमेंटेशन, सेडिमेंट जो हल्की चीज होती है वो हमेशा ऊपर रहती है, भारी चीज नीचे चली जाती है, आप लोग जानते होंगे। तो यूकैरियोटिक कौन है? यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक हम अगली बारी क्लास में आपको बताएंगे, नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट लेसन में, नेक्स्ट वीडियो में बेटा। अब इतना आप समझिए कि यूकैरियोटिक में जो हमें और पास जितने भी चारों तरफ एनिमल दिख रहे हैं वो सारे क्या है? यूकैरियोटिक। उसमें क्या होता है? 80S राइबोसोम होता है। क्या? 80S राइबोसोम। और प्रोकैरियोटिक तो बैक्टीरिया वायरस होते हैं कुछ ओनली बेटा, ठीक है, उसमें क्या होते हैं 70S, जो हमें दिखते नहीं है वो क्या होते हैं 70S। केंद्र क्या होता है? न्यूक्लियस, जो भी सेल का जो सेंटर है, सेल का जो सेंटर है वो क्या है बेटा? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की सबसे पहले डिस्कवरी किसने की बेटा? रॉबर्ट ब्राउन ने। और सेल की डिस्कवरी किसने की बेटा? रॉबर्ट हुक ने, रॉबर्ट हुक ने, ठीक है। और न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की? रॉबर्ट ब्राउन ने। अब न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस के अंदर भैया, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम डले होते हैं। क्रोमोसोम पे कौन लिपटे हुए होते हैं? डीएनए। इस तरीके से क्रोमोसोम होता है, उसके अंदर बीच वाली पार्ट में क्या होते हैं? डीएनए बेटा, जीन लिपटे हुए होते हैं, जिसको न्यूक्लियस का दूसरा नाम दिया गया है, ब्रेन ऑफ द कंट्रोलर। ये पूरी सेल को कंट्रोल करने का काम करता है। क्या? कंट्रोल करने का काम। अब यहां पे कंट्रोल कौन करता है बेटा? ऑर्गेनेल्स में बेटा माइटोकॉन्ड्रिया काम करता है, और पूरी सेल को कौन कंट्रोल करता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को तभी केंद्रक बोला गया है। न्यूक्लियस के अंदर 80% प्रोटीन होती है, 10% डीएनए होता है। क्या? 10% डीएनए। और सबसे अच्छा मुख्य चीज लाइसोसोम है, चीपेस्ट मतलब लाइसोसोम का। देखो लाइसोसोम की डिस्कवरी किसने की? डी डूमे नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने की। इसको बोला गया है जल अपघटन एंजाइम। लाइसोसोम एक ऐसा है जो काम क्या करता है बेटा? लाइसोसोम के हाइड्रोलाइटिक एंजाइम एक सीक्रेट करता है। जैसे जब माइटोकॉन्ड्रिया हुआ, माइटोकॉन्ड्रिया से बोला क्यों भाई तू काम नहीं कर रहा है, या जब गोल्जी बॉडी से बोला कि तुम काम नहीं कर रहे, तो बेटा अपना ये एंजाइम क्या कर देता है? सीक्रेट कर देता है। ऐसा एंजाइम होता है जो इन सबको क्या कर देता है? मार देता है, इन सबको मार देता है बेटा। तो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम बेटा। अब जैसे सेल डाइजेस्टर, मतलब इसको क्या बोला गया? सेल डाइजेस्टर भी इसीलिए बोला क्योंकि यह तुम्हारे कोई जैसे तेजी से डंडा मार दे, स्टिक मार दी, तो तुम्हारा बेटा हाथ क्या पड़ेगा? काला सा, ब्लैक सा पड़ जाता है। फिर कुछ दिन बाद क्या हो जाता है? वो बेटा काला काला खत्म हो जाता है। तो वो कौन काम करता है? लाइसोसोम करता है बेटा। कौन काम करता है? लाइसोसोम। लाइसोसोम को सेल डाइजेस्टर, वो सोसाइटल बैग इसीलिए बोलते हैं इसको बेटा सोसाइटल बैग, क्योंकि लाइसोसोम क्या एक ऐसा एंजाइम सीक्रेट करता है जो अंदर जितने भी ऑर्गेनल्स यदि वो काम नहीं करे तो सबको मारने का काम भी कर देता है। क्या? मारने का काम भी कर देता है। पूरी पूरी सेल को मार देता है बेटा, रैप्चर कर देता है, खत्म कर देता है। तभी इसका नाम सोसाइटल बैग, मतलब पूरी, जब पूरी सेल को मारेगा तो वो तो खुद भी मर जाएगा, मतलब। और बेटा सोसाइट कौन करता है? जो खुद आपस खुद मर जाए उनको क्या करते हैं? सोसाइट। तभी इसका दूसरा नाम सोसाइट बैग रखा गया। और इसको एटम बॉम्ब, एटम बॉम्ब अचानक से बेटा, कभी कभार क्या होता है? अचानक से यदि कोई भी सेल का ऐसा ऑर्गन, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कोई यदि काम नहीं करता है तो लाइसोसोम इतनी तेजी से अपना हाइड्रोलाइटिक एंजाइम सीक्रेट करता है कि सबको बेटा मार देता है। क्या करता है? सबको मार देता है, ठीक है। और आरबीसी, जो हमारी आरबीसी रेड ब्लड सेल होती है, उसके पास लाइसोसोम कभी होते नहीं है, ठीक है। अब आ गया टेन वाला कौन है? प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? कलरलेस होता है, इसके अंदर 80% वाटर होता है। और बेटा ये दो टाइप का होता है, नंबर एक साइटोप्लाज्म, नंबर दो न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या बेटा? साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म साइटोमी से सेल, प्लाज्मी से प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो साइटोप्लाज्म कहाँ बेटा होता है? साइटोप्लाज्म यहाँ होता है, यहाँ जो भी खाली स्पेस है बेटा, खाली स्पेस है, यहाँ क्या होता है? साइटोप्लाज्म। यहाँ गाढ़ा गाढ़ा पदार्थ जो होता है इसका क्या नाम होता है? साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म में ही डले होते हैं सेल ऑर्गेनेल्स, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब किसके अंदर डले होते हैं? यहाँ साइटोप्लाज्म। इसलिए डले होते हैं, वो होते हैं क्योंकि ये आपस में टकरा ना जाए, आपस में टकरा ना जाए बेटा, इसीलिए दूर दूर डले रहते हैं। जैसे आइसक्रीम, तुम लोगों ने देखी बादाम शेक वगैरह होता है कि बीच में क्या होता है? आइसक्रीम डली होती है, जस्ट लाइक अ न्यूक्लियस। आइसक्रीम को क्या मानो आप लोग? न्यूक्लियस। जो उसके जो चारों तरफ जो गाढ़ा गाढ़ा फ्लूड है, जेली टाइप सब्सटेंस, उसको क्या बोलोगे? साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म के देखो बेटा, साइटोप्लाज्म में बेटा क्या क्या चीज डली होती है? वहां पे जो गाढ़ा गाढ़ा पदार्थ होता है, दूध होता है, उसमें क्या डली होते हैं? बादाम, किशमिश वगैरह होते हैं, जस्ट लाइक अ माइटोकॉन्ड्रिया, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वॉक्यूल्स और राइबोसोम, इसी तरीके से काम करते हैं, ठीक है बेटा। साइटोप्लाज्म होता है सेल के अंदर, और न्यूक्लियस के अंदर होता है एक न्यूक्लियोलस, और वहां पे बीच में जो न्यूक्लियस के अंदर जो पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या बेटा? न्यूक्लियोप्लाज्म। अब आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं इसके के बेटा न्यूक्लियोप्लाज्म किस तरीके से वर्क करता है। और ये सारे आज हम लोगों ने बेटा सेल का स्ट्रक्चर देखा,
और सेल सेल की जो बेटा बेसिक चीजें हैं, इंट्रोडक्शन है, वो सारा सब कुछ सेल के बारे में, यही बेसिक चीजें एनडीए, बहुत सारे ऐसे एग्जाम है कम्पिटेटिव एग्जाम जो बेटा आते हैं, इसके अलावा कोई चीज़ नहीं आएगी आएगी। थैंक यू सो मच माई वीडियो, वॉचिंग माई वीडियो एंड लाइक एंड सब्सक्राइब।